हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता। एंड आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं हूं आपका अपना रैंकर IIR 42 इन CA इंटर एंड AIR 43 इन CS एग्जीक्यूटिव कोर्सेज। और अभी आने वाला है एक ऐसा समय भैया, 5 तारीख बहुत ही करीब है जिस दिन CA इंटर के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले। मैं आया हूं आपके साथ अपना फाइनल मैसेज लेके। ये एक ऐसा दिन होता है CA इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स या किसी भी रिजल्ट्स का, जहां पर बच्चे के या तो कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं या कुछ बच्चों के सपने टूटते हैं। बट हमें ये समझना है कि जर्नी बहुत लंबी है। इसके बाद जो बच्चे यहां से पास भी हो जाएंगे उनके लिए भी जर्नी आगे लंबी होने वाली है, और जो बच्चे यहां से मिस कर जाएंगे, मैं कभी फेल नहीं बोलता, मिस कर जाएंगे, उनके लिए भी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, तो भैया देखो, अभी डर लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना पेपर निकाल निकाल के वापस कैलकुलेट कर रहे होंगे कि एक बार ये देख लूँ कि कितने नंबर आ रहे हैं मेरे। ये सब मत करिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी आप ये सब करेंगे ना, उतना ज़्यादा पैनिक होगा आपको। ठीक है, अभी अभी ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा कि जो सही आंसर्स हैं ना, वो भी गलत लग रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोच, दिमाग क्या है, पूरा अभी नेगेटिव सोच रहा है आपके इसमें। ठीक है, कि भैया गलती होगा, फेल ही होंगे। अब उसमें से कोई आदमी वीडियो बना के डाल के दे देगा कि पासिंग परसेंटेज होने वाली है कम। ये सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जितना आप ये सब देखेंगे ना, उतना आपका अभी दिमाग में टेंशन बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ। और कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ पैनिक होगा, सिर्फ टेंशन होगी और कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इरिटेशन होगा, जितना ज़्यादा टेंशन होगा, उतना ज़्यादा आपका दिमाग फटना शुरू होगा। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं फर्स्ट हैंड डील कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में सर क्या करें? देखिए, अभी तो पढ़ाई नहीं होगी। देखो, अभी एक दो बच्चों की तरह बात करता हूँ। एक बच्चा जो है ना, जो सोच के रखा है कि हाँ, मैं मान लो किसी ने जीवन दिया और G2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अब कल से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिमाग में ये लगता रहेगा जीवन निकलेगा कि नहीं, जीवन निकलेगा कि नहीं। ठीक है, और जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए, वो अगर अभी प्रिपेयर भी कर रहे थे ना, कि उनको लग रहा था कि शायद उनका नहीं होगा और वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, वो भी अगले 5 दिन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में इतना जो स्ट्रेस रहेगा ना कि कैसे मैनेज करें ये चीज़ को। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ यार, खाली मत बैठना एकदम। ठीक है, खाली एकदम मत बैठना, कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि अगर खाली बैठोगे ना, तो दिमाग में उल्टे सीधे थॉट आना एकदम वाजिब है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर बैठ के ये सोचने लगूँ ना कि जो मैंने अपने ज़िंदगी के टारगेट सोचे वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो टेंशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही अगर मैं काम पर फोकस करूँ ना, तो मेरे को कभी टेंशन नहीं होगी। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ बेटा, काम पर फोकस करना। कुछ भी कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, चाहे कुछ देख रहे हो, चाहे कोई सीरीज देख रहे हो, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, या अगर पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ सीरीज देख रहे हो बैठ के, तो देखो ना, सूट्स देखो, लिंकन द लॉयर देखो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई कि रिजल्ट के दिन ही मिर्जापुर का सीजन आ रहा है। अरे वो ना, लाइटर नोट, इसको ऐसे देखो ना कि उस दिन तुम पास होगे, पॉजिटिव सोचो और पूरा दिन बैठ के मिर्जापुर की सीरीज देख के खत्म करोगे। थिंक पॉजिटिव, व्हाई आर यू थिंकिंग नेगेटिव? मैं तो यही बोलता हूं, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचो। और ये थिंकिंग बिल्कुल मत लगाओ कि नेगेटिव। अरे भैया, जिस चीज से, ये पता है एक जापानीज प्रिंसिपल है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो और उसके बारे में सोचोगे, तो दैट थिंग इज बाउंड टू हैपन। दैट इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड यू आर स्केर्ड अबाउट समथिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग विल डेफिनेटली हैपन। सो द बेस्ट वे इज, डोंट बी स्केर्ड, डोंट थिंक अबाउट समथिंग यू डोंट वॉन्ट टू हैपन। ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन का टाइम है। मोस्ट प्रॉब्ली देखो, अगर 5 जुलाई को ICAI रिजल्ट निकालने वाला है, जैसे कि उन्होंने बोला भी, 2nd और 3rd को एक मीटिंग है। ठीक है, काउंसिल मेंबर्स की, धीरज सर ने बोला था 2nd और 3rd को एक काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद वो 5 तारीख को लाइकली रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप ये समझ लो, लगभग अनाउंसमेंट कब आएगा, 3 तारीख शाम को आ जाना चाहिए या 2 तारीख शाम को। उसके बाद आपके पास 2 दिन रहेंगे, ये 2 दिन आप अपने आप को बिल्कुल बिजी रखिए। और देखो सर, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पास हुए तो आपकी खुशी पूरी करने के लिए भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और अगर भगवान ना करे आप पास नहीं हुए, ठीक है, तो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहने के लिए भी मैं खड़ा हूँ। मैं दोनों तरफ हूँ। ठीक है, मैं दोनों तरफ हूँ। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उसके अगले दिन से मैं रिविजन सीरीज शुरू कर दूंगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके वेरी नेक्स्ट डे से। तो भैया, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं करूँ, होने दूंगा मैं।
ठीक है, अगर क्योंकि देखो दूसरा अटेम्प्ट भी करीब है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, ठीक है, आपका जुलाई में आ रहा है, सितंबर में फिर अटेम्प्ट है 1.5 महीने बाद, तो बैठ के शोक मनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, एक खत्म होगा, एक दिन रोने का और दूसरे दिन काम पे आ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, और भैया ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब बहुत बढ़िया हो, और मेरे को पता है मेरे बच्चों का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया होने वाला है और पूरे इंडिया का बढ़िया होने वाला है। तो भैया ऑल द बेस्ट, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता EIR 42, आपके लिए बस इतना ही मैसेज था मेरा, इंजॉय करें और पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा।